करती हूँ। जय। धन्यवाद सुमित्रा जी। माननीय श्रीमती रमीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद मान्य मंत्री श्री, सॉरी सभापति जी। मान्य मंत्री श्री, हमारे ट्राइबल मान्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियों संशोधन विधेयक 2024 लेकर आए हैं, उस बिल पे मैं अपना विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। मान्य सदस्य, मान्य सभापति जी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले, पहाड़ी विस्तार में रहने वाले चार समुदाय, पाडरी, कौली, गद्दा ब्राह्मीण और प्रहरी इथेनिक ग्रुप, इन चार समुदायों का जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो मूल निवासी बार समुदाय हैं, उस समुदाय में सम्मिलित करने का ये बिल में प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल के बारे में बोलने से पहले मैं भारी पीड़ा से ये जम्मू कश्मीर की बात रखना चाहती हूँ। माननीय सभापति जी, देश आजाद जरूर 1947 में हुआ, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे ट्राइब भाई बहन आजाद हुए थे। डॉक्टर बाबा साहेब ने जो बंधारण किया था, संविधान बनाया था, सही मायने में वो संवाधन के लाभार्थी बने थे। मगर आज मैं इस समय सदन में गर्व से कहूंगी, 2019 जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे ट्राइबल भाई बहन के लिए एक सूर्योदय हुआ। देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारा यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने इस सदन से जम्मू कश्मीर के लिए ये 370 कलम हटाकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे बिछड़े भाई बहन के लिए सूर्योदय लाया गया। और उतना ही नहीं माननीय सभापति जी, वहाँ अब्दुल्ला मुफ्त की जो राज था, वो गरीबों के लिए, ट्राइब के लिए, बिछड़े समाज के लिए एक अभिशाप था, वो उनका अंत आ गया। और हमारे मोदी जी अपने पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ से इन गरीबों के लिए, इन बिछड़े समाज के लिए अपने बल पर काम करने लगे। माननीय सभापति जी, मैं लेकिन आपके माध्यम से एक कांग्रेस वालों को मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से हमारे समाज के लिए, हमारे ट्राइब समाज को 70 वर्ष तक उनको अपने लाभों से, उनको आरक्षण के लिए से क्यों वंचित रखा? उनके, हमारे इस विस्तार में रहने वाले युवक युवतियों को पाठशाला में भेजने के बिना आपने गैर प्रवृत्तियों में धकेलना का काम क्यों किया? आपने आतंकवाद की प्रवृत्ति में धकेलना का काम क्यों किया? उनकी जिंदगी आपने नरका कारागार क्यों बना दिया? माननीय सभापति जी, आज हमारे मोदी जी का नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, आमूल परिवर्तन हम देख रहे हैं। एक समय का जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग था, आज जम्मू कश्मीर फिर से स्वर्ग बनकर उभर रहा है। हजारों संख्या में आज यात्री वहां आ रहे हैं और हमारे ट्राइबल समुदाय के लिए हमारे मोदी जी ने वहां एकलव्य रेसिडेंसी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और टूरिज्म क्षेत्र, आमूल परिवर्तन, होम स्टे और हमारे ट्राइबल युवक युवतियों आज गाइड बन के आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर समग्र पहाड़ी इलाका है,
वहाँ जन औषधि भी मिल रही है, वन औषधि भी मिल रही है, और वन केंद्र का माध्यम से वो सारी बिक्री करके भी अपना जीवन में बदलाव ला रहे हैं। माननीय सभापति जी, हमारे कितने लोग, हमारा कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी जी अब बात कर रहे थे कि इस सरकार ने सोचित समाज के लिए क्या किया, एससी समाज के क्या लिए क्या किया, एसटी के लिए क्या किया। वो हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से आता है, मैं गुजरात के उनके पहाड़ बगल में रहने वाली, मैं भी एक ट्राइब हूँ, मुझे मालूम है वो बरसों तक कांग्रेस ने ट्राइब के लिए क्या किया। और ट्राइब के लिए तो कांग्रेस ने एक डिपार्टमेंट भी नहीं अलग किया था, तो वो विकास की बात क्यों करे। हमारा देश का प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे गुजरात में जो अंबाजी से उमरगांव तक 1 करोड़ से ज़्यादा ट्राइब की आबादी है, उनके सर्वांगी विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना 15 करोड़ से शुरू की थी, आज वो सिलसिला 1 करोड़ से ज़्यादा से बनकर समग्र देश के एक मॉडल के रूप में गुजरात काम कर रहा है। उतना ही नहीं, माननीय सभापति, देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी जारे काम कर रहे, तारे कोने कोने के ट्राइब के लिए, चाहे वो मैदान में रहो, चाहे पहाड़ में रहो, दुर्गम एरिया में रहो, जंगल में रहो, उनके सर्वांगी विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं 1 घंटा मोदी जी कितने ट्राइबल के लिए समर्पित है एक बात करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगी। 15 जनवरी 2024 की घटना मैं आज सभा सदन में रखना चाहती हूँ। मोदी जी कितना समर्पित है, कितना लगाव रखते हैं उनके वन बंधुओं के लिए, जो बिछड़ा समाज था, आदिम जूथ, समग्र देश भर में उन्होंने जांच किया और वो समुदाय 18 स्टेट और 1 केंद्र शासित राज्य में उनकी आबादी 1,09,20,57, उनका समुदाय 93, उन सब का सूचित बना के खुद मान्य प्रधानमंत्री जी ने झारखंड कुटली गांव से उन सब के साथ संवाद किया। उतना ही नहीं, 24,000 करोड़ पीएम जनमन योजना के तहत 3 साल का प्लान बना के वो बिछड़े समाज को पर अन्य समाज के हरोल में जो काम किया है वो एक हमारे लिए एक आदर्श बन के काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे मित्रों के कहती हूँ, आप वाद विवाद टिक्का टिप्पण करने के सिवा मोदी जी के जो बिछड़े समाज के लिए कर रहे हैं, तो आओ हम सब मिलकर इन समाजों को सम्मान करें और मोदी जी जो कर रहे हैं उनको आवकार करके मेरी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रमीला बेन जी। माननीय श्री शंभू शरण पटेल जी, माननीय श्री शंभू शरण पटेल, धन्यवाद।